गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 7, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन के बारे में, हमने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, न्यायालय न्यायपालिका मतलब उसके बारे में पढ़ा था कि न्याय का जो प्रशासन है वो कैसा है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कैसे संयोजित किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द हाईएस्ट कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, जो हाईएस्ट कोर्ट होता है उसके अपने ही अपने सेशन जज होता है, उसके डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज होते हैं। मतलब द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ सेशंस व्हेन इट एक्सरसाइज इट्स जुडिक्शन ऑन क्रिमिनल मैटर्स अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। जब जो कोर्ट होता है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके अपने जज होते हैं। जब मतलब मान लो अगर जब वो क्रिमिनल कोई क्रिमिनल केस होता है तो फिर जो जज होता है वो क्रिमिनल जज, मतलब लाइक क्रिमिनल केसेस को जो हैंडल करते हैं वो वाले जज जो होते हैं वो केस हैंडल करते हैं। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज प्रेसिडेड बाय ओवर वन डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, जो कि उसका जज एक ही होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है। इन एडिशन देयर आर एडिशन डिस्ट्रिक्ट जज एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, और उस जज का एक असिस्टेंट जज होता है। ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है। द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड द प्रेसिडिंग कोर्ट हैव इक्वली जुडिशन एज द डिस्ट्रिक्ट जज एंड हिज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जो एडिशनल जज होता है वो भी केस को लेकर कोई भी मतलब अपना फैसला सुना सकता है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट जज इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सेशन जज व्हेन ही इज प्रेसिडिंग ओवर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन अ सिटी व्हिच इज टर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी होती है, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज वो होती हैं जहाँ पर भी एक 1 मिलियन से ज्यादा आबादी होती है ना, तो वो सिटी क्या होती है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाती है। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी को जो जज हैंडल करता है, मतलब उनके केसेस को जो हैंडल करता है, वहां पर जो जज होता है उसको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन सेशन जज। ठीक है, मतलब उस सिटी एक जो सिटी होती है उसको जो रिप्रेजेंट करता है, उसके बिहाफ पर जो केसेस हैंडल करता है उसको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन सेशन जज। ठीक है, एन एरिया इज एन मेट्रोपॉलिटन एरिया बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इफ, देखो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बनाया गया कि मतलब 1 मिलियन से ज्यादा लोग वाला जो जहां पर ज्यादा नागरिक रहते होंगे, जहां पर ज्यादा लोग रहते होंगे, वो क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन बोथ एन ओरिजिनल एंड एप्लीएट साइड इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट के जो जज होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाहे क्रिमिनल को केसेस हो, चाहे कि सिविल केसेस हो, या सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, जो भी मैटर होता है वो उसको देखते हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं। द कोर्ट एक्सरसाइज अपलेट ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट एंड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, सर्टेन मैटर्स ऑन क्रिमिनल और सिविल साइड कैन नॉट बी ट्राइड बाय अ कोर्ट इनफीरियर इन ज्यूरिडिक्शन टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इफ अ पर्टिकुलर इनएक्टमेंट मेक्स अ प्रोविजन टू द इफेक्ट दिस गिव्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन सच मैटर्स। मतलब कुछ कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि कोर्ट के अंदर मतलब इंटरफेरेंस करते हैं, लाइक कुछ इफेक्ट डालते हैं या फिर कुछ इफेक्ट पड़ता है उसका, तो क्या होता है, मतलब वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उनको अपनी मतलब जो रियल जो मतलब जज होते हैं, जो मेन जज होते हैं, उनसे एडवाइस लेनी पड़ती है। ठीक है, और
अगर उनसे हैंडल नहीं होता है वो केस, तो वो उसको आगे रेफर कर देते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में उस केस को रेफर कर देते हैं, चाहे वो उस क्रिमिनल केस हो या फिर सिविल केस हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द हिंदू सेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। अर्लियर वुमेन इन इंडिया वर नॉट गिवन अ शेयर ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, हिज प्रॉपर्टी यूज टू बी डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग इन हिज सन अलॉन्ग विद हिज विडो। मतलब देखो, पहले टाइम पर क्या होता था, मतलब पहले क्या होता था कि जो गर्ल्स होती थी उनको प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, मतलब गर्ल्स के पास ना बहुत सारे राइट्स नहीं थे, जो वुमेन्स थी उनको बिल्कुल राइट नहीं दिए जाते थे, मतलब लाइक जैसे कि देखो इसमें आपको गिवन है कि हम एक्ट 2005 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसी की बात करते हैं कि जैसे फादर की डेथ हो गई तो फिर उनके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उनके बेटे जो होते हैं बेटों में ही बांट दी जाती थी, ठीक है, उनकी जो गर्ल चाइल्ड होती थी उसको नहीं दी जाती थी, और जो उनकी विडो जो मतलब जो उसकी वाइफ रह जाती थी उसको नहीं दी जाती थी, मतलब सिर्फ उसके बेटों के मतलब बेटों में ही बांट दी जाती थी। अ न्यू लॉ वॉज पास इन द ईयर 2005, और 2005 में एक नया कानून पास किया गया, द हिंदू द हिंदू अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, मतलब ये जो हमारा एक्ट है वो 2005 में पास किया गया। अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, और इस नए कानून के अकॉर्डिंग ये नया कानून है क्या, मतलब कि जैसे कि पहले जो होता था कि फादर की डेथ के बाद सिर्फ बेटों में ही बांट दी जाती थी उनकी प्रॉपर्टी जो होती थी, और इस नए कानून की बात क्या है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है उसमें बेटी का भी बराबर हिस्सा है, और वो अपनी बेटी को भी मतलब दे सकते थे प्रॉपर्टी, और उनकी मतलब अब क्या है कि फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो अपनी प्रॉपर्टी है वो अपनी बेटी को देते हैं कि बेटे को देते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट पास्ड दिस एक्ट टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और जो गवर्नमेंट है उसने ये एक्ट क्यों बनाया, उसने ये जो रूल है वो क्यों बनाया, ताकि जो मतलब कि लड़का और लड़की में जो भेदभाव है वो खत्म हो सके, इस वजह से उन्होंने ये जो कानून है वो पास किया। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू द हिंदू कम्युनिटी ऑफ ऑल ओवर इंडिया, और ये जो रूल है, ये जो एक्ट है, ये जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में हिंदू कम्युनिटी पर इम्प्लीमेंट करता है पूरे इंडिया में, ठीक है, मतलब पूरे इंडिया में जहाँ पर भी हिंदू हैं और जितने भी हिंदू हैं वो सिर्फ इस रूल को उन पर ही ये इम्प्लीमेंट करेगा, वही ये रूल मान सकते हैं, बाकी लाइक जो अदर कास्ट के होते हैं उनके लिए रूल नहीं है, ठीक है। क्लास आपका चैप्टर 8 पे फिनिश होता है।